अस्सलाम-ओ-अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं साइम स्टूडियो। आज एक बार फिर आप लोगों के खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम से फोटोज़ और वीडियोज़ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पर नॉर्मली डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, जैसे जिससे आप लोग किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक फ़ोटो पर क्लिक किया एंड देन यहाँ से आप लोग हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला है जिससे हम किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड करें। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए मैं आप लोगों के एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए आप लोग आसानी के साथ किसी भी फ़ोटो और वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है एंड देन यहाँ से आप लोगों ने टाइप करना है इंस्टा डाउनलोड वीडियोज एंड फोटोज। यहाँ पे आप लोगों ने इंस्ट डाउनलोड वीडियो एंड फोटोज को सर्च करना है। तो जैसे आप लोग सर्च करते हैं आप लोगों को इस एप्स को आप लोगों ने डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप लोगों ने जेड एन स्टूडियो का बनाया हुआ है, आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है। 5 मिलियन डाउनलोडर है इसकी, 4.5 रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी। बाकी रिव्यू डिटेल यहाँ से आप लोग खुद चेक कर सकते हो। आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है, मेरे पास पहले से इंस्टॉल कर रखा हुए। जैसे आप लोगों के पास इंस्टॉल होता है इसके बाद आप लोगों ने जो सिंपली ओपन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोगों का ऐप्स ओपन होता है इसके बाद आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाना है और यहाँ से किसी भी फोटो को आप लोग डाउनलोड करना चाहो तो इसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं साइम स्टूडियो पे जाता हूँ। और यहाँ से मैं इस फोटो को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैंने जस्ट सिंपली उस फोटो पे क्लिक करना है एंड देन इसके ऊपर आप लोगों को 3 डॉट मिलेगी वर्टिकली, इस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आप लोगों ने कॉपी लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कॉपी लिंक पे क्लिक करते हो इसके बाद आप लोगों ने इसको अपने उस एप्स को ओपन करना है जो कि आप लोगों ने डाउनलोड किया था, इंस्टा डाउनलोडर एंड देन इसके बाद आप लोगों ने इस पे उस लिंक को, यहाँ पे आप लोगों ने इस लिंक को पेस्ट करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप लोगों ने चेक URL पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आप लोगों को ये दिखा रहा है कि आप लोगों ने उस फोटो को URL यहाँ पे एंटर किया। अगर आप लोगों ने इस पे गलत कोई फोटो को एंटर किया था तो आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सके, दोबारा वहाँ पे जाके उस लिंक को कॉपी करें। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेव इमेज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इमेज पे क्लिक, यहाँ से आप लोग यहाँ से अपना लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, फोल्डर पाथ, और यहाँ से आप लोग नेम भी दे सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो चुका है, सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। क्योंकि फ्री एप्स है तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे तो आप लोगों ने इसको क्लोज करना है। तो चलिए अब चलते हैं कि हमने वीडियो को कैसे डाउनलोड करना है। दोबारा इंस्टाग्राम अकाउंट पे चलते हैं और यहाँ पे इस साइम स्टूडियो के पेज पे मैंने, यहाँ पे मैं दोबारा साइम स्टूडियो पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वीडियो को पोस्ट किया है, आप लोगों ने उस वीडियो के जैसे आप लोग फोटो को डाउनलोड करते हो तो सेम ही आप लोगों ने उस डॉट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ से कॉपी लिंक पे क्लिक करना है एंड अगेन उस एप्स पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट करके चेक URL पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ पे इसका URL दिया है तो आप लोगों ने सेव वीडियो पे क्लिक करना है एंड देन डाउनलोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही सेकंड में हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप लोग इसको देख भी सकते हैं। और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा वीडियो भी डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे आप लोग इसको देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग आसानी के साथ किसी भी फोटो किसी भी वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मज़ीद वीडियो और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और देखते रहे साइम स्टूडियो को।